हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो इससे पहले अगर आपने जो है 1 से 17 तक का नहीं वीडियो देखा है प्रैक्टिस सेट का, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि उर्वरक में जो है निम्नलिखित तत्व जो है उपलब्ध नहीं होता है, मींस यूरिया में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उपलब्ध नहीं होता है, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उतना। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा यूरिया होता है इसमें जो होता है आपका क्लोरीन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्लोरीन इसमें हमको उतना जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो होता है एक सेम जो है आपका नाइट्रोजन का ही एनालॉगी होता है। सेम जो प्रक्रिया हमारा जो उर्वरक जो हमारा बनता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा होती है काफ़ी अच्छी होती है, और ये जो है आपके प्रकृति में जो है उतना अवेलेबल होता नहीं है, सिर्फ यूरिया में ही ये मिलता है। बात करते हैं फास्फोरस का, तो फास्फोरस जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है हमारे लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी कैल्शियम की जो फास्फेट होती है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमें इस बॉडी में जो है लगभग 80-85% तक मिलता है। हमारे जानवरों की हड्डियों में जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है 85% तक कैल्शियम फास्फेट मिलता है। तो आई होप यहाँ से जो उर्वरक में हमें कौन सा तत्व नहीं मिलता है, तो क्लोरीन नहीं मिलता है, बाकी आपको ये तीनों तत्व एलिमेंट मिलते हैं। बिकॉज यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है आपका, यहाँ पे जो है 85% जो है आपके कैल्शियम फास्फेट जो हमारे जानवर के शरीरों में मैक्सिमम 85% मिलता है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला जो कच्चा माल होता है वो कौन सा है, तो देखिए हमारे नेचर में जो अवेलेबल होता है हमें जल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाता है, लेकिन जो विनाइल क्लोराइड होता है ये अवेलेबल नहीं होता है हमारे कच्चे माल के रूप में जो हमारे नेचर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा विनाइल क्लोराइड होगा। जल की बात करते हैं, तो जल हमारा एक रंगहीन स्वादहीन गंधहीन होता है, और जल जो है हमें ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में आप ले सकते हैं इसको चेंजिंग करके। पेट्रोल की बात करते हैं, तो पेट्रोल भी जो है एक प्राकृतिक ईंधन है जो हमारे भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे जो है हमारे जितने भी अवसादी या परतों के बीच एक लेयरिंग होते हैं वहीं पर जो है हमें पेट्रोल मिलता है। और पीवीसी के कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें ऑलरेडी मिलता है हमारे जो वायुमंडल है, और यहाँ पे एक पीवीसी भी आता है पानी विनाइल क्लोराइड, जो यही है विनाइल क्लोराइड जिसे हम लोग पीवीसी के नाम से जानते हैं, और ये प्रकृति में जो है नहीं पाया जाता है कच्चे माल के रूप में। पीवीसी का जो यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका पूरा नाम होता है पानी विनाइल क्लोराइड होता है, और इसे हम लोग बहुलीकरण से जो है प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग जो है पाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फिर जो इलेक्ट्रिक वायर का कवर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बाकी जूता एडवांटेज जो इलेक्ट्रिक शॉकिंग जूता होता है उसका बनाने यूज़ करते हैं, सोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पीवीसी का इसका यूज़ ज़्यादा मैक्सिमम बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है, और प्रकृति में जो है ये जो है कच्चे माल के रूप में नहीं मिलता हमारा पीवीसी पानी विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, तो लोहे के उत्पादन के लिए हम लोग जिस कच्ची वस्तु का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कोक बोलते हैं, और यहाँ पे जो कोक होता है कोयले को अगर हम लोग वायु की अनुपस्थिति में, मतलब एयर ना हो वहाँ पर, तो कोयले को अगर वायु की अनुपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो उसके वाष्पशील से जो अवयव निकलता है उसी को जो अवयव मतलब जो उसका पार्ट बचता है शेष उसी को हम लोग कोक बोलते हैं, और इस कोक में लगभग जो है 85% तक कार्बन जो है हमें मिलता है, और इसका उपयोग जो है हम लोग मेटल के निष्कर्षण में या फिर और कई सारे इलेक्ट्रोडों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो लोहे के यहाँ पे उत्पादन करने के लिए हम लोग एक कच्ची धातु का इस्तेमाल करते हैं जो कोक होता है, और कोक में लगभग 85% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है आपका, और इसका यूज़ कोक का बहुत सारे यूज़ हैं, इसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में यूज़ होता है, ईंधन एवं इलेक्ट्रोड के रूप में भी इसका यूज़ जो है आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि, तो देखिए पेट्रोल से या फिर जो हमारे बिजली से भी अगर आग लगती है तो वहाँ पे हम लोग जो है पानी का यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है पेट्रोल से, तो पेट्रोल से भी लगी आग को हम लोग नहीं बुझा सकते हैं जल से। विकास ऐसा इसलिए होता है कि जल और पेट्रोल जो होते हैं आपस में जो है अमिश्रणीय है, मतलब मिक्स नहीं हो पाएंगे, पेट्रोल जो होता है जल के सतह पर परत बना लेता है,
यानी जो पेट्रोल होता है जल नीचे हो जाएगा और पेट्रोल उसके ऊपर होगा, तो पेट्रोल हमेशा जलता रहेगा। अगर मिक्सिंग हो जाते पानी वाटर और पेट्रोल मिक्स हो जाते तो यहाँ पे जो है हमारा आग जो है नहीं लगता आसानी से, मतलब बुझ जाता, तो एक दूसरे से अमिश्रित है मतलब मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऐसा हो पाता है कि यहाँ पे जल का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। गैसेस की इस्तेमाल किया जाता है, आपने पेट्रोल टंकियों पे देखा होगा गैसेस का, वहाँ पे फायर ब्रिगेड गैसेस यूज़ की जाती हैं, क्योंकि गैस जो है आसानी से पेट्रोल में क्या होता है मिक्स हो जाता है, और पेट्रोल भी एक तरीके का गैस ही है, लगभग 75% से ऊपर जो होता है इसमें गैस ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जो रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है वो होता क्या है। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी भी पदार्थ का उसका रंग रूप हो या फिर उसका गुण हो हमेशा के लिए क्या होता है चेंज होता है, यानी नए पदार्थ के रूप में बदल जाता है। अगर बात करते हैं दूध से दही बनाना तो ये भी हमारी एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक प्रतिक्रिया ही है, और मोमबत्तियों का जलना भी एक तरीके का रासायनिक ही प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन में, अगर देखा जाए सी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मोटर कारों में जो है पेट्रोल का दहन, तो ये जो है एक रासायनिक प्रतीक होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोटर के कारों में एक पेट्रोल होता है, पेट्रोल को जब हम लोग जलाते हैं तो ये गैस के रूप में चेंजेस हो जाता है। बाकी और कोई फॉर्म अलग चेंजिंग नहीं हो रहा है, हर एक ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत होगा। तो यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन मैंने बताया कि जो होता है आपका किसी भी पर्टिकुलर एक पदार्थ का रंग रूप जो होता है वो नए पदार्थ में बदल जाता है, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, तो सेम यहाँ पे भी मोटर कारों का जो पेट्रोल होता है वो जल के जो है गैस के रूप में जो है आपका परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो यौगिक होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है यूरिया सबसे जो है काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट होता है पौधों के लिए, तो यहाँ पे यूरिया में अगर नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन जो होगा यहाँ पर इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में जो काम में आने वाली दो गैसें कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है आपका यहाँ पे, तो ये जो होता है आपका सल्फर और प्लस हाइड्रोजन से मिलके बनता है हमारा H2SO4, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी होगा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जो है आपके दो चीज़ मिलके जो है आपके औद्योगिक उत्पादन यानी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। और H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल से भी जानते हैं, ये जो है रसायनों का सम्राट होता है, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं H2SO4 को। और H2SO4 का यूज़ हम लोग स्टोरेज सेल बैटरी इस सारी चीज़ों में जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में यूज़ करते हैं। ये जो होता है एक प्रबल निर्जली कारक होता है आपका, जो स्टोरेज सेल में या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं H2SO4 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रक्रम से जो है समुद्र का जो जल होता है, समुद्र से जल से जो है सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण जो होती है आपकी ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपका जैसे सामान ताप पर अगर हम लोग किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो जो है आपके वाष्प के रूप में बदल जाती है। मतलब वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग किसी भी द्रव को अगर गर्म करते हैं तो हमारा गैस के रूप में चेंजिंग हो जाता है या फिर वाष्प के रूप में बदल जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण करते हैं। और समुद्र में जो भी जल यूज़ होता है मतलब जल जो है आपका अलग हो जाता है जिससे सामान्य लवण ही प्राप्त होता है, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। ऊर्जा उत्पादन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है किसी भी हम ठोस पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदलता है, और फिर वाष्प को अगर हम लोग ठंडा करें तो ये क्या हो जाएगा ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। लेकिन वाष्पीकरण में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द्रव को हम लोग गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाता है, और यहाँ पर देखिए ठोस को जो है गर्म करने पर वाष्प में बदल रहा है, तो यहाँ से भी ये भी जो है पॉइंट आपको जो है ध्यान देना है। अब बात करते हैं ठोस से अगर वाष्प में बदलता है और वाष्प को ठंडा करने में ठोस से होता है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, और इसका यूज़ जो होता है आप कपूर जलाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कपूर जो होता है ठोस होता है उसको जलाएंगे वाष्प हो जाएगा, फिर उस वाष्प को अगर आप ठंडा करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है कपूर फिर से प्राप्त हो जाएगा। आयोडीन का भी यहाँ पे एग्जांपल होगा, बेंजोइक अम्ल का भी यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है समुद्र जल में नॉर्मली लवण प्राप्त करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है वो वाष्पीकरण ही यूज़ होता है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा धोने वाले सोडे का नाम क्या है। तो यहाँ पे सबको पता है जलयोजित सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट
जो इसका फार्मूला होता है Na2CO3, और ये कपड़ा धोने वाले या इसे हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं। तो फार्मूला भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, Na2CO3 आपका जो इसका फार्मूला होगा। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे जा चुके हैं। कठोर जल जो है साबुन जल के साबुन के साथ जो है अच्छी तरह से जो है झाग क्यों नहीं दे पाता है, बिकॉज इसका रीज़न होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ कार्बोनेट होते हैं जो झाग बनाने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कुछ कार्बोनेट होते हैं जो कठोर जल के साथ अच्छे से मिल नहीं पाते हैं और वो अच्छी तरीके से जो है झाग नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का जो प्रक्रम यूज़ होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए हम लोग ने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है कई सारे जो है एलिमेंट होते हैं, अगर उसको हम लोग रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं अगर उसको हम लोग जो है अगर विखंडित करते हैं तो उसमें अल्फा बीटा गामा की कुछ किरणें निकलते हैं जिसे हम लोग रेडियो सक्रिय एलिमेंट भी बोलते हैं। ये घटना हो जाती है उसे रेडियो सक्रियता बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ होता है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं तत्वांतरण। और ये जो एलिमेंट होता है आपका न्यूक्लियर में आपको मिल सकता है इजीली जो है ये जो प्रोसेस होता है, और जो रेडियम होता है हमारा यूरेनियम हुआ रेडियम हुआ कई सारे जो है न्यूक्लियर एटॉमिक मटेरियल्स हैं। तो रेडियम की खोज जो है हमारे मैडम क्यूरी के द्वारा हुआ था, मैडम क्यूरी ने इसका यूज़ किया था। तो अगर कोई भी हम मटेरियल को अगर हम लोग जो एटॉमिक है यूरेनियम हो या फिर रेडियम हो उसको अगर हम लोग जो है बमबारी कराते हैं या उसको हम लोग विखंडित करते हैं तो उसमें तीन टाइप के किरण निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा होता है। और ये तीन जो किरणें निकलते हैं इसे हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व भी कहते हैं, और ऐसी घटना को जो है रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी जो खोज हुई थी हेनरी बैकरेल ने सन 1886 में किया था इसकी खोज। तो ये जो होता है तत्वांतरण यानी ट्रांसमुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो हम लोग एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलते हैं तो इसे हम लोग ट्रांसमुलेशन की जो प्रोसेस बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जो है जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये नॉर्मली आपको याद और रखना होगा 373 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स का मीन्स ये होता है कि किसी निश्चित ताप पर अगर किसी भी द्रव को हम लोग वाष्प में बदलते हैं तो उसे हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, और जल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, ये ध्यान देना है। और अगर हम लोग जल में कुछ इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं यानी अशुद्धि मिलाते हैं तो वहाँ पर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 100 डिग्री पे ही बॉयल हो, ज़रूरी हो सकता है 110 पे बॉयल हो। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलाने से बॉइलिंग लेवल बढ़ जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जैसे आप प्रेशर कुकर में देख सकते हैं प्रेशर कुकर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मली तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट जो है आपके प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जल में इम्प्योरिटीज बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका बढ़ जाएगा। तो ये इसके जो है कुछ पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बारूद जो होता है निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो बारूद जो होता है आपको यहाँ पे याद करना होगा नाइट्रेट सल्फर और यहाँ पे जो है कास्ट कोयला जिसे हम लोग कोयल के नाम से या कोक भी बोलते हैं, तो चारकोल जिसे बोल सकते हैं। तो इसका ये मिश्रण होता है। तो सामान्यतः बारूद जो होता है या फिर रोजन बैग इसका जो यूज़ हुआ था 1242 में मतलब किया गया था इसका यूज़, हल्का विस्फोटक पदार्थ होता है। इसमें जो होता है नॉर्मली बारूद में जो है पोटेशियम फिर सोडियम नाइट्रेट या फिर चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा होती है, और इनका जो रेशियो होता है लगभग 15:3:2 के अनुपात में होता है। हमारा जो पोटेशियम या फिर सोडियम नाइट्रेट या फिर कोक या फिर सल्फर ये तीनों का मिश्रण होता है। तो आपको यहाँ पे नाइट्रेट सल्फर और काकोस्ट कोयला और चारकोल इसका मिश्रण आपको ध्यान देना है, ये मिश्रण होता है। इसी के रेशियो में जो है हम लोग जो है नॉर्मली एक बारूद बनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है पूछा जा चुका है RRB जैसे एग्जामों में। कपड़ों के रंग का जो विरंजन होता है जिसे ब्लीचिंग बोलते हैं करने वाला जो अभिकर्मक होता है वो कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है SO2 ये जो होता है कपड़े ये इसके द्वारा जो होता है कपड़ों के रंग का हम लोग विरंजन किया जाता है। और यहाँ पर जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होता है वो आपका SO3 होता है, और ये जो है जल में आसानी से घुल जाता है और जल में आसानी से घुल के ये जो है H2SO4 का निर्माण करता है। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग एंडिहाइड भी बोलते हैं।
तो आई होप दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है 18 आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे और भी वीडियो के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।